नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम ORoP की एक नई अपडेट लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली हियरिंग थी उस पर पर्याप्त समय नहीं होने के कारण ORoP पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका। इसके लिए 24 मार्च की आगे डेट दी गई है। 24 मार्च पर हो सकता है डिसीजन आए। इस बीच दो और नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। उसमें पहला है, जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन एक्सरिस्टमैन लीग ब्रिगेडियर करतार सिंह, उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरियट को एक लेटर लिखा है। उसमें बताया गया है कि जो वन मैन जुडिशियल कमीशन की जो रिपोर्ट थी ORoP पे, जिसमें ORoP का जो मौजूदा सिस्टम है उसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई हैं, वो अभी तक डिक्लासीफाई नहीं की गई है। ये संसद में वैसे ही पड़ी हुई है और ORoP का रिविजन जो 1 जुलाई 2019 से ड्यू था वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। आगे निवेदन किया गया है कि इसमें जो जरूरी कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी की जाए ताकि जवानों को उनका ORoP मिल सके। इसी चीज को लेकर के कर्नाटका हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है जिसको PIL कहते हैं। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पिटीशन विंग कमांडर GB अथरी ने दायर की है। वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के। उन्होंने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो मिनिस्ट्रीज को डायरेक्शन दें कि जो पेंडिंग था 1 जुलाई 2019 से ORoP का रिवीजन, उसको जल्दी से जल्दी करने और जो एरियर्स हैं वो जल्दी से जल्दी पे करने के निर्देश दें। 20 लाख पेंशनर यानी रिटायर्ड सोल्जर्स और 4 लाख विडो हैं, वो इस ORoP रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं जो कि 1 जुलाई 2019 से होना था। इस मामले में सुनवाई करने के बाद ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्रीज को ऑर्डर दिया है कि वो इस पिटीशन पे अपनी रिप्लाई दाखिल करें। कहने का मतलब है कि वो इस मामले में क्या कर रहे हैं हाईकोर्ट को बताएं। साथियों, ये दोनों केस हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, ये दोनों अलग अलग हैं। देखने में ये एक जैसे लगते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट का जो केस है वो कहता है कि जो 2015 में ORoP का डिसीजन लिया था, जो 1 जुलाई 2014 से लागू हुआ था और वो 1 जुलाई 2019 को ड्यू था, जैसा भी था उसको दोबारा रिन्यू नहीं किया गया और दोबारा से फ्रेश रिवाइज्ड ORoP का कार्रवाई लागू नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस में चीज दूसरी है, ORoP को लेकर ही है, पर उसमें है कि आपने कई तरह की ORoP कर दी। जो हाईएस्ट जिस रैंक का बंदा रिटायर होता है जिस पेंशन के साथ, वो पेंशन सबको मिलनी चाहिए, नहीं कि हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज मिलना चाहिए। दूसरा, जो रिविजन है वो एवरी ईयर होना चाहिए, 5 साल से नहीं होना चाहिए। पर गवर्नमेंट उस डिसीजन को देख करके कि क्या डिसीजन आता है, इस चक्कर में 1 जुलाई 2019 से जो लागू होना था ORoP जो नई रेट का या जो रिविजन होना था उसको भी पेंडिंग कर रखा है। और जो वन मैन जुडिशियल कमेटी बैठाई थी, वो कमेटी भी रिपोर्ट तो दे चुकी है पर उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लोकसभा में उसको डिक्लासीफाई नहीं किया गया, यानी सबको उसका उसके बारे में पता नहीं लगा है कि उस रिपोर्ट में आखिर वन मैन जुडिशियल कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है, क्या रिकमेंडेशंस दी है। तो साथियों, ये था ORoP पर लेटेस्ट अपडेट। हो सकता है इसके बाद सरकार कुछ कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट में ORoP को लेकर के जो हियरिंग होगी 24 मार्च को, उसका भी लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।